साप्ताहिक कार्यक्रम उपासना में आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। उपासना यानी धर्म, आध्यात्म और भक्ति की ओर जाने का एक रास्ता। इस रास्ते पर चलते हुए हम अपने आराध्य देव की आराधना करते हुए उन तक पहुंच सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं। हमारे देश में शायद ही कोई दिन ऐसा होता है जब किसी न किसी धर्म का कोई उत्सव न मनाया जा रहा हो, लेकिन रोजाना की खबरों में ये खबरें कहीं खो सी जाती है। इसीलिए एवन टीवी आपके लिए लेकर आता है उपासना, जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की कुछ चुनिंदा धार्मिक खबरें जिनमें बहती है आस्था और आराधना की लहरें। तो आइए शुरू करते हैं उपासना और देखते हैं भक्ति तरंग। गुलाबी शहर जयपुर में होली का पर्व नजदीक आते ही हर जगह फाग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में लेडीज क्लब की ओर से होली महोत्सव के तहत फाग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फाग उत्सव कार्यक्रम में क्लब मेंबर्स ने फूलों की होली खेलकर धमाल मचाया। वहीं इस दौरान कलाकारों ने राधा कृष्ण के नृत्य नाटिका फाग गीतों पर नृत्य कर फाग उत्सव मनाया। वहीं इस दौरान लेडीज क्लब के अध्यक्ष ज्ञान भगोरिया और सचिव गौरी कुच्छल ने बताया कि होली त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए क्लब मेंबर्स के लिए फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी महिला मेंबर्स ने भाग लेकर जमकर फूलों की होली खेली। होली का फंक्शन है तो इसमें नृत्य नाटिका है, बाकी और मेंबर्स ने भी, किसी ने पोइट्री सुनाई, किसी ने अपनी राधा श्याम जी की छेड़छाड़ पे कहानियाँ सुनाई, डांस किया, तो ऐसे हम लोग सब इकट्ठा मिलके खूब इंजॉय करते हैं। फागोत्सव मनाया गया है यहाँ, हम एक परिवार की तरह यहाँ पे हर मेंबर ने एक एक प्रोग्राम प्रस्तुत किया है और सबको, जैसे कोई मेंबर ऐसा नहीं रहा कि जिसने उसमें पार्टिसिपेंट नहीं किया है। उद्देश्य यह है कि लेडीज़ का मनोरंजन किया जाए और सबको रिझाया जाए कि होली किस तरह से मनाते हैं, कैसे है। इसलिए हमने ये प्रोग्राम किया है और बहुत अच्छा राधा कृष्ण का, शिव पार्वती का नृत्य नाटिका हुआ है और सुदामा चरित्र का पूरा नाटक हुआ है।